व्हाट्स अप, गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब लोग? आई होप ये आप लोग सब ठीक होंगे। अभी दूसरा दिन है हम लोग जो भी काम कर रहे हैं जो ग्रेवयार्ड के लिए। अभी आज सुबह सुबह पीटा आया हुआ है घर पे, क्योंकि कुछ कुछ ईटा बचा हुआ था आने के लिए, तो अभी आज सुबह ने भैया लोग भेज दिया है। अभी ईटा हम लोग यहाँ बाहर में 40 रखेंगे, कुछ 40 क्या रखेंगे ईटा, बाकी सबको घर के अंदर रखेंगे। और तो और जो बाकी का जो ईटा रहेगा वो मैं घर बनाने के लिए मैं इस्तेमाल करूँगा। आपको दिखाते हैं सामान। हम आपको कल जो ईटा आया था वो यहाँ पे रखा हुआ है। ये 6 इंच का ईटा यहाँ पे है। और यह हमारा कुछ शीट्स है, और वो मेरा पाइप है जो जिससे मैं कुछ शीट्स है, पाइप है, और जो 6 इंच का ईटा यहाँ पे रखा हुआ है। तो घर जो पीछे देख रहे हैं ना आप, उसी को मैं करूँगा रेनोवेट, इसलिए सब सामान लिया हुआ मैंने। और कुछ कुछ अलग ईटा मैंने ग्रेवयार्ड के लिए लिया हुआ है ताकि उसका भी काम हो सके। मैं दोनों काम एक साथ करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास छुट्टी कम है, इसलिए तो हम जल्दी जल्दी काम ख़त्म करके जाने वापस पोडलर। आई होप सब काम ठीक हो जाए। तो अभी भाई लोग अभी ईटा उतार रहे हैं। अभी हम गाड़ी में फिर से चढ़ा रहे हैं ईटा को, उसको अभी कब्रिस्तान लेके जाना है, इसलिए तो लास्ट ईटा सब चढ़ा दे। अभी सब चढ़ाएंगे, अभी फिर कब्रिस्तान की तरफ बढ़ेंगे। अभी इसके बाद ये गाड़ी अपना उन्न भाई का गाड़ी है, देखिए एम सासी ट्रेवल्स, उन्न भाई का गाड़ी है, इसी में जाएंगे हम कब्रिस्तान, ईटा लेके जाएंगे। इसके बाद बहुत कुछ काम है, खाने पीने का भी सामान लिस्ट मैंने लिख दिया है, तो मेरे बहन लूसी है वो सामान लेके आ जाएगा। मैंने लिस्ट लोग तैयार कर चुके हैं खाने पीने का, आज के लिए दिन, आज का दिन के लिए, रात के लिए, और कल के ब्रेकफास्ट के लिए सब रेडी कर दिया हमने। तो यह सब यहाँ पर सब ठीक है, यहाँ का काम हो चुका है, अभी हम लोग जाएंगे कब्रिस्तान, अभी सब सामान लेते हैं। पापा एजेंसी ना ये जो LTV आईफा, LTV आईफा अभी ना ओरिजिनल हाउस तो सुमित लगता है सुमित तंग पासल में आंगू सुमित तंग में पो हाय हाय लगता है मंडरा पन आने पर नीचे ती मना खाए मैं बना खा रहा सुमित तंग लाई आगे चले ना पने वाय अब कोले हाय वो आप ताऊ तो आने रे कॉलम तंग पुया तो हिंद सुमका मन ना पकाए रे इंचो पाम तो आने वाले इंचो वाय जला भी नहीं। अभी हम मिस्त्री को लेने जा रहे हैं, अभी वो एक जगह में, तो उसको पिकअप करके हम लोग कब्रिस्तान जाएंगे, तभी हम फिर वापस आएंगे, फिर आंटी वो लोगों को भी लेके जाएंगे कब्रिस्तान। अभी तो फिलहाल हम और मामा हैं यहाँ पे गाड़ी में, तो
तो हम मामा अभी तो हम और मामा अभी वो मिस्त्री को पिकअप करने जाएंगे, फिर उसको फिर हम लोग कब्रिस्तान छोड़ के फिर आएंगे वहाँ से हम लोग। तब तक आप लोग तब तक अभी हम मिस्त्री भैया को अभी ला दिए गाड़ी में और अभी हम लोग घर से होके जा रहे हैं क्योंकि भैया को थोड़ा टाइल्स का नाप लेना था, तो वही हिसाब से फिर बनाएंगे वो। अभी हम भैया को फिर ये देखिए भैया बैठे पीछे में, तो अभी हम कब्रिस्तान जा रहे हैं अभी उसी चीज़ के लिए। फिर भैया वहाँ पहुँच के बताएंगे कि क्या चीज़ चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो फिर देखेंगे हम लोग फिर वहाँ जाके। अभी हम कब्रिस्तान पहुँच चुके हैं, अभी अभी देखेंगे भैया नाप लेंगे क्या है कैसा करना, तो देखेंगे भैया इसको कैसे बनाएंगे। अभी हम लोग अभी डिसाइड करेंगे कि कैसे करें। अभी हमने भैया को सब कुछ समझा दिए है क्या करना क्या ना करना क्या नाप से जो भी है, तो अभी वो लोग वहाँ भी अभी शुरू करेंगे। अभी पीछे में वो लोग अभी सीमेंट मिक्स किया जाएगा। अभी ये रहा, अभी मामा अभी सीमेंट की तैयारी कर रहा है। सीमेंट यहाँ मिक्स किया जाएगा, यहाँ पानी उसके लिए। तो तब तक मैं दूसरा काम के लिए थोड़ा अभी घर जाऊँगा, कुछ अरेंज कर रहे हैं खाने पीने के लिए, तो अभी हम जा रहे हैं अभी घर थोड़ी देर के लिए, फिर वापस आएंगे फिर कब्रिस्तान में हम लोग। फिर अभी हम घर गए थे कुछ खाने पीने का अरेंजमेंट करने के लिए, अभी वापस आ चुके हैं कब्रिस्तान में। तो डाप है, डाप लाया गया है यहाँ पे, नरियल पेड़ का डाप। कुछ नाश्ता भी लाया, चाय वाय भी लाया हमने अभी घर से। तो अभी जो भी काम करने वाले भैया लोग रहेंगे वही लोग रहेंगे। अभी लोग थोड़ा रिफ्रेशमेंट के लिए हम लाए खाने पीने के लिए सामान, तो अभी लोग अभी खाएंगे तो रेस्ट करेंगे, रेस्ट करके फिर वापस वो लोग जाएंगे अपने काम की तरफ। तो सीमेंट बनाना है पापा के लिए, तो ये देखिए डाप डाप पी रहे हो अभी। भाई लोग थोड़ा रेस्ट करेंगे थोड़ी देर के लिए, नाश्ता चाय पानी करेंगे, उसके बाद वापस अपने काम में लग जाएंगे, सीमेंट का काम जो करेंगे अभी वो लोग। अभी आपको दिखाते हैं, ये रहा हमारा नरियल डाप, ये तरफ में पीछे तरफ है नरियल डाप, भैया लोग पी रहे थे अभी। और पीछे में थोड़ा शेड बना कर रखे हम लोग ने, वहाँ में नाश्ता और चाय भी है। हम लोग देखिए ऐसा दिखता है हम लोग का यहाँ पे, ये अपना भाई जुगल भाई पीछे में, ये अपना इरास भाई पीछे मेरी तरफ देखो इरास भाई अपने ईमान भाई का गाड़ी यहाँ पे पीछे में। तो ये मैं तो हम लोग ने ये गाड़ी में सब सामान लिए थे, ईमान भाई और भैया हैमिल्टन वो तरफ है बैठे हुए। तो अभी लोग घर जा रहे हैं कुछ काम से, तो वापस आ जाएंगे फिर लोग। चले काम की तरफ बढ़ रहे हैं हम, काम अभी शुरू हुआ है, काम ख़त्म होने में कम से कम 2 दिन लग सकते हैं बोले थे अंकल लोग, काम हो जाएगा लेकिन अभी तब तक।
थोड़ा रुक, काम थोड़ा रुक गया क्योंकि बारिश हो गई है। देखिए ज़ोरदार हवा भी आ रहा है, तो इसी काम तो इसी कारण बस काम फिर रुक गया है। क्या करें, मौसम है, कभी भी आता जाता है, भरोसा नहीं कर सकते अब। लेकिन थोड़ा काम को हम लोग ने रोक दिया है, अभी जैसे ही बारिश रुकेगा फिर काम को शुरू करेंगे हम। थोड़ा परेशान हो चुके हैं बारिश से, देखिए सीमेंट भी नाश हो जाएगा ना, ऐसा होने से सीमेंट भी वेस्ट हो जाएगा ऐसे, तो ये डर है क्योंकि बारिश ज़्यादा ना हो। जब जब अभी शाम हो चुकी है, तकरीबन 4 बजे, अभी फिर भी काम जारी है, बहुत काम बचा था इसलिए। अभी मैं टाइल्स लेने गया था, तो अभी मैं आपको दिखाते हैं कि काम कहाँ तक हुआ है। देखिए अभी तकरीबन लगभग आधा काम हो चुका है, इसके बाद टाइल्स देंगे ईटा का थोड़ा सा आज, उसके बाद फिर कल टाइल्स डालेंगे, फिर टाइल्स देखेंगे कि बराबर है कि नहीं, क्योंकि मैं कम लाया था पोलर से, तो लोग कल एडजस्ट करेंगे कि अगर अच्छा बनता है तो ठीक है, ये कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा ना हमें, तो इसलिए देखेंगे। गोल्डन वाला भी है मेरे पास कलर, और एक ग्रे वाला है, और एक जो स्लैब है वो ब्लैक वाला है, तो देखेंगे अगर देखता अगर बराबर ठीक से बैठता कि नहीं जो टाइल्स में ले लिया हुआ है। ठीक है, काम तकरीबन होने वाला है, यहाँ पे आधा हो चुका है ईटा काम, फिर कल टाइल्स डालेंगे। कल वो भी एक दिन लग जाएगा वो भी काम, देखेंगे फिर। आज का काम बस इतना ही, नहीं तो ब्लॉग लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं ब्लॉग यहाँ ख़त्म कर देता हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल में नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।